820 रुपया ले मारे एजेंसी मारे ये खुद गई है। हाँ 820 रुपया ले जाजड़ियो नयो आदमी है, नयो आदमी है, पुरानो आदमी है, इनको क्षेत्र है, 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव राहुल कसो जीत सीट हूं चोर कसो जीती बहुत बढ़िया। ये भाईड़ा थाला टाबरिया तो कह के ये ना 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 प्रधानमंत्री बने जो देश के लिए कदी घाटो को निकले, वो आपके देश ने विकसित करने की सोच सी, चाहे मनमोहन सिंह हुए, चाहे राजीव हुए, इंदिरा कोई भी हुई, देश के लिए तो कोई नुकसान की बात तो है ही को नहीं। ए तो आपकी फायदे खातर करें, बड़े लोगों ने फायदे मिले, जमींदार हैं मजदूर हैं उनके कोई फायदे को नहीं पार्टी में। अच्छा मैं देश में सरकारी कांग्रेस की आनी चाहिए, बीजेपी आनी नहीं चाहिए। मैं तो जंगली आदमी पढ़िया लिखा टबर है तो जानता होला, एक कहानी बीजेपी आ रहा है, एक कहानी कांग्रेस आ रहा है। हाँ सही है। मैं अचानक टिकट काट दी, पहली 2 बार राम सिंह जीत गयो, तीसरी बार गयो मंत्री बना भी कटा दी, वो टिंगर है इनको वोट दे टिकट दे दियो जीत गयो, अब 30 रुपये का जीत के मंत्री बनेगो तो एक टिकट काट दी। चूरू में कितनी कार्य है क्या करें? चूरू में यह है कि पहली बात तो चूरू जिले का मैंने 4 सीट कांग्रेस की जीतड़ी, 5। दूसरी बात यह है कि जाट बाहुमल्य क्षेत्र विधानसभा में बात करा तो 6 कांग्रेस, अब यहाँ 6 कांग्रेस की होगी, इन वास्ते मतलब है कांग्रेस को ही आना चाहिए। चूरू में कांग्रेस जीतेगी अब गण क्या किया कि बीजेपी वाला काम ही सही करें, 300 रुपया सिलेंडर को 1200 रुपया कर दियो, जबकि 35,000 की चीज 70,000 की कर दी, जो 5 लाख की चीज 10 लाख की कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। देश में लोकतंत्र का त्यौहार चल रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव है, पहला चरण 19 अप्रैल को है और राजस्थान से शुरुआत होगी और हम उसी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा हॉट सीट चूरू लोकसभा क्षेत्र में है, जहां से कांग्रेस की तरफ से राहुल कसवा प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं पर बीजेपी की तरफ से नया दांव खेला गया है देवेंद्र झाझड़िया पर। अब देखते हैं कि चूरू के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये जाट लैंड कहा जाता है और इसी के लिए हम बड़े गांव में आए हैं। जानते हैं, राम राम सर। राम राम सर के नाम है राम निवास के लागे है। राम निवास जी, इब कह चूरू के मन के माहौल है? चूरू में कांग्रेस जीतेगी अब गढ़ क्या किया कि बीजेपी वाला काम ही सही करें, 300 रुपया सिलेंडर को 1200 रुपया कर दियो, जबकि 35,000 की चीज 70,000 की कर दी, जो 5 लाख की चीज 10 लाख की कर दी, काम ही सारा उल्टा करें हैं। जमींदार के आप कोई दुकान पर चले जाओ, दुकानदार कहो 5 रुपया लूँगा भाई जी बनने लगा, जमींदार तो कौन कैस के मैं 10 की बेचूँगा, कैस कहेगी। ए तो आपकी फायदे खातर करें, बड़े लोगों ने फायदे मिले, जमींदार हैं मजदूर हैं उनके कोई फायदे को नहीं पार्टी में। अच्छा मैं देश में सरकारी कांग्रेस की आनी चाहिए, बीजेपी आनी नहीं चाहिए, आनी तो इतना भ्रष्टाचार इतना लूट मचाई थी, लूट तो कोई मचाई को नहीं। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब के नाम है? मेरा नाम रणजीत खोत साहब। के लागे है इबगाय चौधरी साहब, चुनाव के माहौल है? चुनाव राहुल कसो जीत सीट हूं चोरू कसो जीती बहुत बढ़िया। ये भाईड़ा थाला टाबरिया तो कह के ये कर टाबर ना 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 क्या ओ तो ये कांग्रेस ही गांव है चलो तो। अच्छा वोट के कारण दे रहे हो कांग्रेस में? कांग्रेस ने कांग्रेस बढ़िया काम करे है, लेन गेलो तो कता बढ़िया करे, फिर भी लोग पलटी मार दी नहीं इबगाय चोरू तार तो जा तो पुसा राम जीत को है जीत को तो कह पुसा राम जीता से। अच्छा फिर मैं तो चोरू चोरू शिखर सुनो कांग्रेस सीट घनी आई बिल्कुल। अब के राहुल का सोची थी बढ़िया वोटो के लागे है झाझड़ियो जो चुनाव नयो चेहरों पर दाम को कोई मार्केट कौन झाझड़ियो को क्या कोई जाने ही को नहीं। बीजेपी का नेता तो सारा लाग रहा है ना ना बीजेपी का तो सतीश पूनी और आ रखियो है कस राठौड़ आ रखियो है राठौड़ आ होता है कोई या तो बीजेपी का इनका राहुल का सगान लाग रहे जो इनके लाग दबा दब कौन सो कर रहा है कौन कौन कर रहा है बताओ पर जो बाद राम करी कोई दशे तो भाई पदाधिकारी अभ्यर्थ का ज्वाइन करिए कांग्रेस रतरंगण में करना रहे हैं वो आदमी ठीक है फिर की को विरोध क्यों रहे है टिकट क्यों काटिएगी कोई कमी काट ही काटता बिल्कुल। मैं अचानक टिकट काट दी पहली 2 बार राम सिंह जीत गयो तीसरी बार गयो मंत्री बना भी कटा दी वो टिंगर है इनको वोट दे टिकट दे दियो जीत गयो अब 30 रुपये का जीत के मंत्री बनेगो तो एक टिकट काट दी तो विरोध टिकट को रहे को टिकट नहीं काटनी चाहिए के माहौल है इबगा किन जिता रहे हो? मैं तो जंगली आदमी पढ़िया लिखा मैं टबर है तो जानता होला, एक कहानी बीजेपी आ रहा है, एक कहानी कांग्रेस आ रहा है। हाँ सही है। किन जीता होगा? किन तो बता रहे हो बाहर तो बीजेपी गेल ना अब तो बीजेपी की हार हो रही है। हार हो रही है क्या? तो होती होती ना हो रही है तो फर्क के देखो अब का 10 साल का मैं बीजेपी को राज रहे है बाहू पहले 10 साल कांग्रेस को यूपीए की सरकार को राज रहे आ दोनों की सरकार में के फर्क देखो दे फर्क तो देख के देखा दो
मतलब कौन सो प्रधानमंत्री काम आज चुक रहे है, मोदी जी आज चुक रहे हो। प्रधानमंत्री बने तो देश के लिए कभी घाटों को नहीं करे, वो आपके देश ने विकसित करने की सोच सी, चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे राजीव हो इंदिरा कोई भी हो, देश के लिए तो कोई नुकसान की बात तो है ही को नहीं। आज जो देश के अंदर महंगाई जो हालात है बैक के बारे में क्या करना है फिर? महंगाई तो और ज्यादा आसी और आसी, हाँ और बीजेपी को राज रहे तो और बोली आसी। तो को भी प्रधानमंत्री कांग्रेस के राज में 300 रुपया सिलेंडर मिलते तो, मोदी आता ही 1200 रुपया आया। इब तो राजस्थान में तो 400 दिन खटे रहे 820 रुपए ले हमारे एजेंसी मारे ये खुद गई है। हाँ 820 रुपए ले हुए तो तार तो फायदा है मेरे ना, हमारे जनता का फायदा होना, हमारे व्यक्तिगत फायदा नहीं जनता का फायदा होना चाहिए। अच्छा व्यक्तिगत फायदा से मतलब को नहीं, कांग्रेस के राज में 300 रुपया में सिलेंडर को नहीं होगी थे ही बता दो बिल्कुल हो है। अरे दवाया फ्री से कौन करी गेलो पर लून खाकर वोट कौन दियो लोग। चूरू में कितनी कार्य किया अब करें? चूरू में यह है कि पहली बात तो चूरू जिले का मैंने 4 सीट कांग्रेस की जीतड़ी, पांच। दूसरी बात यह है कि जाट बाहुबली क्षेत्र विधानसभा में बात करा तो 6 कांग्रेस, अब यहाँ 6 कांग्रेस की होगी। इन वास्ते मतलब है कांग्रेस को ही आनु चीज है, आने आईडी बताए लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता तो लहर चल रही है, बोले कसो जीतते जीत नो के बेरो जीत ही चलो के बेरो झाजड़ी गोरे झाजड़ियो जीत सके के बेरो है झाजड़ियो मतलब आंग मन में जो शंका है ये भाई झाजड़ियो नयो आदमी है नयो है मुश्किल नयो आदमी है ओ पुराणो आदमी है इनको क्षेत्र है ए 6 बार चुनाव लड़ चुका आऊं क्षेत्र तो जानकारी और लेन देन सब कुछ आ की ज्यादा है। फिर दूसरी बात ई ले ले पीरियड का मैंने काम भी होया अब अदन खुद ही होया अब सरकार तो जी आगे की है जिके का काम हुए। टिकट कटने के पीछे के कारण मानो भाई टिकट कटने के पीछे तो यह है कि सदा टिकट दे रहा अब टिकट कट चुकी कारण के मानो भाई कारण को तो यह है कि आपसी राजनेताओं की लागबाजी मानो या कोई की राजनीति की डाउन होती दिखे या कोई की भारी पड़ती दिखे भी हिसाब हूँ बताओ आपके हिसाब लोग समझ में सारी आ रही है ना बात। देखो चूरू का आदमी तो इसे आए कि आल इंडिया नहीं आल विश्व का मैंने सोचो अग्नि है हर चीज में मतलब जबकि बात है ठिड्डे पोग रही है ना ठिड्डे पोग रही है बात तो गलत नहीं है। कई आदमी है मतलब घुमा फिरा कह के बठे ले आते हैं वो सही नहीं भी रहा आजकल बच्चे नहीं भी रहे एक्चुअली भी रहे होनी है। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हूं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली 19 तारीख को यहां के लोग मतदान किन के पक्ष में करेंगे। लेकिन आप RJ TV 24 की चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी गाँव में किसी नई लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।